हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल को लेकर के है और एक्सेल में क्या खास है आइए आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर सबसे पहले तो एक्सेल को ओपन करेंगे। यहाँ पर ये माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का 2021 मैंने ओपन किया है, वर्जन कोई भी हो सकता है और काम करने का तरीका तो यही होगा। तो आप देखिए यहाँ पर क्या करना है, अगर आपको जो भी इसमें रिकॉर्ड्स हैं उनको ले आना है तो नेम में नेम को ले आएंगे। तो कैसे नेम को ले आएंगे, तो आप क्या करेंगे, कॉपी करेंगे फिर यहाँ पेस्ट करेंगे, ठीक है। फिर नेम के लिए फिर इसको कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, फिर इसको कॉपी करेंगे फिर पेस्ट करेंगे, तो ऐसे तो काफी समय आपका लग जाने वाला है, ठीक है। इसी तरीके से मोबाइल नंबर को भी कॉपी पेस्ट करना पड़ेगा, तब तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, बहुत दिक्कत हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि ये बहुत बड़े अमाउंट में होगा तब कितना आप कॉपी पेस्ट करेंगे, समस्या यहाँ पर है। तो इसके लिए कोई क्या शॉर्टकट तरीका है, तो देखिए शॉर्टकट तरीका ये है कि आप पहले इसको सेलेक्ट कर लीजिए, पूरे डेटा को यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, जहां तक डेटा है वहां तक सेलेक्ट कर लीजिए, ठीक है। और आपको कीबोर्ड से प्रेस करना है कंट्रोल जी। कंट्रोल जी प्रेस करते ही ये विंडो ओपन हो जाती है इस तरीके से, ये देख सकते हैं ये इस तरीके से ओपन हो गई है। विंडो ओपन होगी तो आपको स्पेशल पे जाना, ये स्पेशल आपको दिखाई पड़ ही रहा होगा तो इस पे चले जाइए। और अब आपको क्या करना है, अब यहां पर जो है आपको इसको हटाना है। यहाँ पे देख सकते हैं ये जो भी आपका ये रिकॉर्ड है ये सिलेक्टेड में होना चाहिए, जैसे ये है ना, तो यहाँ से ये सिलेक्शन में होना चाहिए और देन कंट्रोल जी प्रेस करते हैं। यहाँ से कंट्रोल जी प्रेस करते ही ऐसे आ जाएगा और स्पेशल पे चले जाइएगा, और स्पेशल पे जाते ही यहाँ कॉन्स्टेंट पे क्लिक कीजिएगा और ये नंबर हटाइएगा, लॉजिकल हटाइएगा, एरर हटाइएगा और ओके कर दीजिएगा। तो जैसे ही ओके कर देंगे तो केवल और केवल नेम सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ से कॉपी कीजिए और देन यहाँ पर कर दीजिए पेस्ट, लीजिए काम हो गया, ये सारे नाम यहाँ पर एक ही बार में आ गए। अब इसी तरीके से हमें क्या करना है, नंबर्स को भी यहाँ से उठाना है। तो कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो सेलेक्ट कर लेंगे, तो जो भी यहाँ पे डेटा है उसको पूरे को एक ही बार में सेलेक्ट कीजिए इस तरीके से। और सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है आपको, जैसे ही सेलेक्ट करते हैं तो अब आपको करना है यहाँ पर कंट्रोल जी प्रेस, तो कंट्रोल जी प्रेस कीजिए, फिर वापस स्पेशल पे जाइए, वापिस आइए कॉन्स्टेंट पे। अब इस बार क्या करना है, नंबर लेना है, तो टेक्स्ट और ये लॉजिकल और एरर हटा दीजिए, अनटिक कर दीजिए और ओके कर दीजिए, तो ये केवल नंबर सेलेक्ट हो जाएगा। देन यहाँ से कॉपी कीजिए और यहाँ पर कर दीजिए आप पेस्ट, ठीक है। तो यहाँ से इसको पेस्ट कर देता हूँ, तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके से आया हुआ है, तो इसको कॉलम की साइज को बड़ा कर लीजिएगा, बस आपका काम हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि बात आपके समझ में आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।